हेलो दोस्तों, जिस चीज़ का हमें बड़े अरसों से इंतज़ार थी वो समय आ चुका है। जी हाँ, ICR का रिज़ल्ट 30 अगस्त को आने वाला था, जो कि पोस्टपोन हो चुका था केरला की बाढ़ की वजह से। केरला हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि ICR का रिज़ल्ट को स्थगित करने के लिए, और ICR का रिज़ल्ट फ़िलहाल आ चुका है। तो चलिए कैसे डाउनलोड करते हैं वो जानते हैं। सबसे पहले, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और साथ ही प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन पे, जिससे सारी वीडियोस नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं कैसे डाउनलोड करें। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अरसे के साथ इंतज़ार थी ICR का रिज़ल्ट का, और वो समय आ चुका है। तो ICR का रिज़ल्ट आ चुका है, चलिए कैसे डाउनलोड करते हैं स्कोर कोड को। पहले वेबसाइट को ओपन करना है और लिखना है ICAR 2018, और इस वेलकम टू ICR है, इस पर क्लिक करना है और ICR का ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा। तो ये खुल चुका ऑफिशियल वेबसाइट ICR का, और आप देख सकते हैं ये पहले से चेंजेस हुआ है। रिजल्ट ऑफ AI 2018 पे क्लिक करना है, UG एंड PhD एप्लीकेंट लॉगिन करना है। चलिए यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन करते हैं। पासवर्ड अब डालते हैं। केस सेंसिटिव है तो थोड़ा सावधानी से आप लॉगिन कीजिएगा। ये लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो ये रहा, खुल चुका है आप एप्लीकेशन फॉर्म, और नीचे देख रहे हैं प्रिंट स्कोर कार्ड, तो आप स्कोर कार्ड को डाउनलोड कीजिए। तो ये डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोडिंग में गया ऊपर से और ये डाउनलोड हो चुका है। तो आप ये देख सकते हैं कि आ चुका है काउंसिलर ऑफ एग्जामिनेशन ICAR। तो देखिए क्या आ चुका है आपका स्कोर कार्ड। तो आप समझ गए होंगे कि स्कोर कार्ड को कैसे डाउनलोड करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। आप इसे काउंसलिंग के लिए डाल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करना ना भूलें।